बच्चों, आज सुंदर रामस्वामी द्वारा लिखित टिकट एल्बम कहानी पढ़ते हैं। बच्चे और बड़े चीज़ें जमा करते हैं, टिकटें उनमें से एक हैं। अब कहानी सुनो। राजप्पा को कोई नहीं पूछता आजकल, सबके सब नागराज को घेरे रहते हैं। नागराजन घमंडी हो गया है, राजप्पा सारे लड़कों में कहता फिरता, पर लड़के भला कहा उसकी बातें पर जान देते। नागराजन के मामा जी ने सिंगापुर से एक एल्बम भिजवाया था, वह लड़कों को दिखाया करता। सुबह पहले घंटे के बजने तक सभी लड़के नागराज को घेर कर एल्बम देखा करते। कई लोग टोलियों में उसके घर तक हो आए। नागराजन शांतिपूर्वक सभी को अपना एल्बम दिखाता, एल्बम को गोद में रख लेता और एक एक पन्ना पलटता। लड़के बस देखकर खुश होते हैं। कक्षा की लड़कियां भी उस एल्बम को देखने के लिए उत्सुक थी। पार्वती लड़कियों की अगुवा बनी एल्बम मांगने आई। लड़कियों में वही तेज तर्रार मानी जाती थी। शाम तक लड़कियां एल्बम देखती रही, फिर उसे वापस कर दिया। अब राजप्पा के एल्बम को कोई पूछने वाला नहीं था। वाकई उसकी शान अब घट गई थी। राजप्पा के एल्बम की लड़कियों में काफी तारीफ रही थी। मधुमक्खी की तरह उसने एक एक करके टिकट जमा किए थे। सुबह 8 बजे वह घर से निकल पड़ता, टिकट जमा करने वाले सारे लड़कों के चक्कर लगाता। दो ऑस्ट्रेलिया के टिकटों के बदले एक फिनलैंड का टिकट लेता। जैसे ही घर लौटता, बस्ता कोने में पटक कर अम्मा से चबेना लेकर निकट की जेब में भर लेता और खड़े खड़े काफ़ी पीकर निकल जाता। 4 मील दूर उसे अपने दोस्त के घर से कनाडा का टिकट लेने पंगड़नियों में होकर भागता। स्कूल भर में उसका एल्बम सबसे बड़ा था। सरपंच के लड़के ने उसके एल्बम को 25 रुपये में खरीदना चाहा, पर राजप्पा नहीं माना। घमंडी कहीं का, राजप्पा बड़बड़ा था। फिर उसने ठीक का जवाब दिया है, तुम्हारे घर में जो प्यारी बच्ची है ना, उसे दे दो ना 30 रुपये में। सारे लड़के ठहाका मार कर हंस पड़े थे, पर अब कोई उसके एल्बम की बात तक नहीं करता। और तो और, सब उसके एल्बम की तुलना नागराजन के एल्बम से करने लगे हैं। सब कहते हैं राजप्पा का एल्बम फिसड्डी है, पर राजप्पा ने नागराजन के एल्बम को देखने की इच्छा कभी नहीं प्रकट की। लेकिन जब दूसरे लड़के उसे देख रहे होते तो वह नीचे आंखों से देख लेता। सचमुच नागराजन का एल्बम बेहद प्यारा था, पर राजप्पा के पास जितने टिकट दे उतने नागराजन के एल्बम में नहीं दे। पर खुद उसका एल्बम ही कितना प्यारा था, उसे छू लेना ही कोई बड़ी बात थी। इस तरह का एल्बम यहाँ थोड़ी मिलेगा। एल्बम के पहले पुष्प पर मोती जैसे अक्षरों में उसके मामा ने लिख भेजा था, एम नागराजन। इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है, ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है? यह एल्बम मेरा है। जब तक घास हरी है और कमल लाल, सूरज जब तक पूर्व से उगे और पश्चिम में छिपे, उस अनंत काल तक के लिए यह एल्बम मेरा है रहेगा। लड़कों ने इसे अपने एल्बम में उतार लिया, लड़कियों ने झट कापियों और किताबों में टीप लिया। तुम लोग यह नकल क्यों करते हो, नकलची कहीं के? राजप्पा ने लड़कों को घुड़की दी। सब चुप रहे, पर कृष्णन से नहीं रहा गया। जा जा जलता है, ईर्ष्यालु कहीं का, मैं काहे को जलूं? जले तेरा खानदान, मेरा एल्बम उसके एल्बम से कहीं बड़ा है, राजप्पा ने शान बसारी। अरे उसके पास जो टिकटें हैं वह है कहीं तेरे पास? सब क्यों, बस एक इंडोनेशिया का टिकट दिखा दो। अरे पानी भरोगे? हाँ, कृष्णन ने छेड़ा। पर मेरे पास जो टिकट है वह कहाँ है उसके पास? राजप्पा ने फिर ललकारा। उसके पास जो टिकट है वही दिखा दो, कृष्णन भी कम नहीं था। ठीक है, 10 रुपये की शर्त, मेरे वाले टिकट दिखा दो। तुम्हारा एल्बम कूड़ा है कृष्णन जी का। हाँ हाँ कूड़ा, लड़के जैसे कोरस गाने लगे। राजप्पा को लगा अपने एल्बम के बारे में बातें करना फालतू है,
उसने कितनी मेहनत और लगन से टिकट बटोरे हैं। सिंगापुर से आए एक एक पार्सल ने नागराजन को एक ही दिन में मशहूर कर दिया, पर दोनों में कितना अंतर है लड़के क्या समझेंगे। राजप्पा मन ही मन कुट रहा था, स्कूल जाना अब खलने लगा था और लड़कों के सामने जाने में शर्माने लगी। आमतौर पर शनिवार और रविवार को टिकट की खोज में लगा रहा था, परंतु अब घर घुसा हो गया। सहसा जाने क्या सोचकर उड़ता ट्रंक खोलकर एल्बम निकलता और एक बार पूरा देख लेता। उसे एल्बम से चिढ़ होने लगी है, उसे लगा एल्बम वाकई कूड़ा हो गया है। उस दिन शाम उसने जैसे तय कर लिया था और नागराजन के घर गया। अब कोई कितना अपमान से है, नागराजन के हाथ अचानक एक एल्बम लगा है। बस यही ना, वह क्या जाने टिकट कैसे जमा किए जाते हैं, एक एक टिकट की क्या कीमत होती है, भला क्या समझे। सोचता होगा टिकट जितना बड़ा होगा उतना ही कीमती होगा, या फिर सोचता होगा बड़े देश का टिकट कीमती होगा, वो भला क्या समझे। उसके पास जितने भी फालतू टिकटें हैं उन्हें टरका कर उसे एक अच्छे टिकट झाड़ लेता। कितनों को तो उसने यूं ही उल्लू बनाया है, कितनी चालबाजी करनी पड़ती है। नागराजन भला किस खेत की मूली है। राजप्पा नागराजन के घर पहुंचकर ऊपर गया। चूंकि वह अक्सर आया जाया करता था सो किसी ने नहीं टोका। ऊपर पहुंचकर वह नागराजन की मेज के पास बड़ी कुर्सी पर बैठ गया। कुछ देर बाद नागराजन की बहन कामाक्षी ऊपर आई। भैया शहर गए हैं। अरे हाँ, तुमने भैया का एल्बम देखा, उसने पूछा। राजप्पा को हाँ कहने में हेकड़ी हो रही थी। बहुत सुंदर एल्बम है ना, सुना है स्कूल भर में किसी के भी पास इतना बड़ा एल्बम नहीं है। तुमसे किसने कहा? भैया ने, वह कूद गया। बड़े से क्या मतलब हुआ, आकार में बड़ा हुआ तो एल्बम बड़ा हो गया, उसकी चिड़चिड़ाहट साफ थी। कामाक्षी कुछ देर तक वही रही, फिर नीचे चली गई। राजप्पा मेज पर बिखरी किताबों को टटोलने लगा। अचानक उसके हाथ दराज के ताले से टकरा गया। उसने ताले से खींचकर देखा, बंद था। क्यों न उसे खोलकर देख लिया जाए। मेज पर से उसने चाबी ढूंढ निकाली। सीढ़ियों के पास जाकर उसने एक बार झांक कर देखा, फिर जल्दी में दरार खोली। एल्बम ऊपर ही रखा हुआ था। पहला पुष्ट खोला, उन वाक्यों को उसने दोबारा पढ़ा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। एल्बम को झट कमीज के नीचे खोंच लिया और दराज बंद कर दिया। सीढ़ियां उतर कर घर की ओर भाग गया। घर जाकर सीधा पुस्तक की अलमारी के पास गया और पीछे की ओर एल्बम छुपा दिया। उसने बाहर आकर झांका, पूरा शरीर जैसे जलने लगा था, गला सूख रहा था और चेहरा थमथमाने लगा था। रात 8 बजे अप्पू आया, हाथ पांव हिलाकर उसने पूरी बात कह सुनाई। सुना तुमने, नागराजन का एल्बम खो गया, हम दोनों शहर गए हुए थे, लौट कर देखा तो एल्बम गायब। राजप्पा चुप रहा, उसने अप्पू को किसी तरह टाला। उसके जाते ही उसने झट कमरे का दरवाज़ा भिड़ लिया और अलमारी के पीछे से एल्बम निकाल कर देखा, उसे फिर छिपा दिया, डरता कहीं कोई देख न ले। रात में खाना नहीं खाया, पेट जैसा भरा हुआ था। सारा घर चिंतित हो गया, उसका चेहरा भयानक हो गया था। रात उसने सोने की कोशिश की पर नींद नहीं आई। सुबह अप्पू दोबारा आया। राजप्पा तब भी बिस्तर पर बैठा था। अप्पू सुबह नागराजन के घर होकर आया था। कल तुम उसके घर गए थे, अप्पू ने पूछा। राजप्पा की सांस जैसे ऊपर की ऊपर और नीचे के नीचे रह गए, फिर सिर हिला दिया। जिस तरह चाहे सोच ले, कामाक्षी ने कहा था कि हमारे जाने के बाद खाली तुम वहाँ आए थे, अप्पू बोला। राजप्पा को समझ से देर नहीं लगी, आप सब उस पर शक करने लगे हैं। कल रात से नागराजन लगातार रोए जा रहा है, उसके पापा शायद पुलिस को खबर दें, अप्पू ने फिर कहा। राजप्पा फिर भी चुप रहा। उसके पापा DSP के दफ्तर में ही तो काम करते हैं, बस वह एक पलट झपक दे और पुलिस की फौज हाजिर। अप्पू जैसे आदमी घी डाल रहा था।
या तो भला हुआ कि अप्पू का भाई उसे ढूंढता हुआ आ गया और अप्पू चलता बना। राजप्पा के पापा दफ्तर चले गए थे, बाहर का किवाड़ बंद था। राजप्पा अभी तक बिस्तर पर बैठा हुआ था। आधा घंटा गुजर गया और वह उसी तरह बैठा रहा। तभी बाहर की सांकल कट गई। पुलिस, राजप्पा बुदबुदा। भीतर सांकल लगी थी, दरवाज़ा खटकने की आवाज़ तेज हो गई। राजप्पा ने तकिए के नीचे से एल्बम उठाया और ऊपर भागा। अलमारी के पीछे छिपा दे, नहीं पुलिस ने अगर तलाशी ली तो पकड़ा जाएगा। एल्बम को कमीज के नीचे छिपा कर नीचे आ गया। बाहर का दरवाज़ा भी बज रहा था। कौन है? अरे दरवाज़ा क्यों नहीं खोलता? अम्मा भीतर से चिल्लाई। थोड़ी देर और हुई तो अम्मा खुद ही उठकर चली आएगी। राजप्पा पिछवाड़े की ओर भागा, जल्दी से बाथरूम में घुसकर दरवाज़ा बंद कर लिया। अम्मी ने अंगीठे पर गर्म पानी की डेगची चढ़ा रखी थी, उसने एल्बम को अंगीठे में डाल दिया। एल्बम जलने लगा। कितने प्यारे टिकट थे। राजप्पा की आंखों में आंसू आ गए। तभी अम्मा की आवाज़ आई, जल्दी से आ तो नहा कर, नागराजन तुझे ढूंढता हुआ आया है। राजप्पा ने निकर उतार दिया और गीला तौलिया लपेट कर बाहर आ गया। कपड़े बदल कर ऊपर गया। नागराजन कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसे देखते ही बोला, मेरा एल्बम खो गया है यार। उसका चेहरा उतरा हुआ था, काफ़ी रो कर आया था शायद। कहाँ रखा था तुमने? राजप्पा ने पूछा। शायद दराज में, शहर से लौटा तो गायब। नागराजन की आंखों में आंसू आ गए। राजप्पा से चेहरा बचाकर उसने आंखें पोंछ ली। रो मत यार, राजप्पा ने उसे पुचकारा। वाह, रो दिया। राजप्पा झट नीचे उतार कर गया। एक मिनट में वो ऊपर नागराजन के सामने आ रहा। उसके हाथ में उसका अपना एल्बम था। लो यह रहा मेरा एल्बम, अब उसे तुम रख लो। ऐसे क्यों दिख रहे हो? मजाक नहीं कर रहा, सच कहता हूँ, उसे अब तुम रख लो। बहला रहे हो यार, नागराजन को जैसे यकीन नहीं आया। नहीं यार, सचमुच तुमको दे रहा हूँ, रख लो। राजप्पा भला अपना एल्बम से दे दे, कैसा चमत्कार है। नागराजन को अभी यकीन नहीं आ रहा था, पर राजप्पा अपनी बात बार बार दोहरा रहा था। ठीक है, मैं उसे रख लेता हूँ, पर तुम क्या करोगे? मुझे नहीं चाहिए। क्यों, तुम्हें एक भी टिकट नहीं चाहिए? नहीं, पर तुम कैसे रहोगे और बगैर किसी टिकट के? रोता क्यों है यार, लीस एल्बम को तू ही रख ले, इतनी मेहनत की है तूने, नागराजन बोला। नहीं, तुम रख लो, लेकर चले जाओ, जाओ चले जाओ यहाँ से। चीखा और फूट फूट कर रो दिया। नागराजन की समझ में कुछ नहीं आया। एल्बम लेकर नीचे उतर गया। कमीज से आंखें पोंछता हुआ नागराजन भी नीचे उतर आया। दोनों साथ साथ दरवाजे तक आए। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं घर चलूँ, नागराजन सीरा। सुनो राजू, राजा पुकारा। नागराजन ने उसे पलट कर देखा। एल्बम दे दे, मैं आज रात जी भर कर इसे देखना चाहता हूँ, कल सुबह तुम्हें दे जाऊँगा। ठीक है, नागराजन उसे एल्बम लौटा दी और चल दिया। राजप्पा ऊपर आया, उसने दरवाज़ा बंद कर लिया और एल्बम को छाती से लगाकर फूट फूट कर रो दिया।